दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स को और कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाओं को मिस न कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और क्वेरी के जवाब देने वाला हूँ। अगर आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या फिर दोस्तों आपने इसे पहले दे चुका है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी बातें हम आपको बताएंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम 3, 4, 5 और 6 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। आपको भी जो है अपना एडमिट कार्ड मिल गया होगा, और इस प्रकार जो है आपका एडमिट कार्ड मिल गया होगा, ऊपर का मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि उसमें जो है आपकी जिसमें इसकी डिटेल्ड है पूरी। तो इसमें आप सभी ने आप इसके इंस्ट्रक्शंस जो है आपने पढ़ लिए होंगे कि आपको जो है इसका कलर प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन ये इसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों आप जो है कलर प्रिंट आउट निकालिए, 10 रुपए आपके ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कलर प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो है फेज एक टेस्ट के लिए आपको ये एडमिट कार्ड की जो कलर प्रिंट आउट और इसके साथ दो फोटोज कौन सी जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड की थी, वो फोटोज आपको 2 लेकर जानी है पासपोर्ट साइज। उसके बाद आपको जो है अपनी एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्टूडेंट आईडी जो कि कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आप दोस्तों सिंपल अपना आधार कार्ड ले जाइए, वो मोर देन सफिशियंट है। बस ये 3 चीजें आपको लेकर जानी है। अगर इन 3 चीजों को आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा और आप एग्जाम देने से चूक सकते हैं। तो पहले ही अपनी ये 3 चीजें, एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे आपकी फुल चेकिंग होगी। अगर आपके पास कोई मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसे बाहर ही रख दीजिएगा। अगर आप एग्जाम देते वक्त पकड़े जाते हो तो आपको जो है इंडियन एयरफोर्स के फर्दर एग्जाम जो भी फ्यूचर में होंगे, और इस एग्जाम से आपको जो है नहीं देने दिया जाएगा, और आपको जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, किसी भी एग्जाम को आप नहीं दे पाओगे। तो आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने साथ मत ले जाइए। एक ब्लैक पेन या फिर आप बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप लेकर जाना चाहते हो तो ले जाइए। इसमें आपको जो है रफ वर्क करने के लिए हेल्प मिलेगी, तो आप एक पेन जरूर लेकर जाइएगा, चाहे बोल ब्लैक लेकर जाइएगा या फिर ब्लू लेकर जाइएगा, आपकी मर्जी है। तो आपको सबको पता लग गया होगा कि एक आपके एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड की थी, और वोटर आईडी और एक पेन आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर में। तो दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि आपकी एंट्री कब होगी, तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है उससे आप 5-10 मिनट पहले जो है सेंटर पर पहुंच जाइएगा और टाइम पर एंट्री कर लीजिएगा। अगर आप लेट होते हैं तो आपको जो है एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप डिफेंस से जॉब करने वाले हैं तो आपको जो है टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बातें आप जो है एक बार देख लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखी हुई होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब की बार जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका जो है एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें आपको सिंपल कंप्यूटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, उसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके फॉर्म पर दिया हुआ होगा वो फिल करना होगा, और जैसे ही वो सबमिट करने के लिए कहते हैं आपको सबमिट कर देना है। फिर आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और आप जो है 1 by 1 उनके आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही टाइम होता है आपका जो है ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। 21 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट रिटर्न टेस्ट का, और 5 जून के लगभग जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद आपको जो है मेडिकल और फिजिकल के लिए कॉल लेटर्स आएंगे, उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ दिन बाद लग जाएगी। जिन जिन की ज्वाइनिंग होनी है उनकी जो है मेडिकल और फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो आप जो है पहले अपना जो है फेज 1 टेस्ट जो है कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं हुई है तो हमने जो है क्विक नोट्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाली है।
मैं भी दोस्तों एग्जाम देने जा रहा हूँ। मेरा भी एग्जाम जो है 5 मई को है। तो दोस्तों मैं आपको ये अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहली बार एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए #GovernmentJobUpdate से, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और साथ में आपको एक घंटी दिखेगी उसे जरूर दबाएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि काफी मेहनत से हम आपके लिए जो है वीडियोज लाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो एक बार फिर आपको बता देता हूं मैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर लेकर जाना है। तो आपको सबसे पहले अपना जो है एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेकर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोज जो दो जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड की थी, एक वोटर आईडी और एक पैन आपको लेकर जाना है। टाइम पे आपको जो है एंट्री करनी है, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये आप लेकर जाइए और निश्चिंत होकर अपना जो है एग्जाम दीजिए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और रिलैक्स माइंड से अपना एग्जाम दीजिए। आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।